कि समनाबाद में आसिफ भट्ट नामी और इमरान भट्ट नामी दो भाइयों के कत्ल का मामला है। जो वर्सा हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस कत्ल में साबिक वज़ीर क़ानून राना सना साहब का हाथ है और पुलिस ने इंक्वायरी खोल दी है, शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया है। इस खबर को कैसे देख रही है मुस्लिम लीग नून? देखें, मुझे हमदर्दी है, जिनके बच्चे कत्ल हुए हैं उनके साथ हमदर्दी है। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं नहीं समझता कि कोई राना सनाउल्ला जैसा बंदा कत्ल करवाएगा, इसकी इंक्वायरी हो जाए। मैं शहरयार अफरीदी की तरह कोई बड़े बोल नहीं बोलूंगा। आप इंक्वायरी करें, ईमानदारी से करें, लेकिन हर दुनिया का केस ये आप राना सनाउल्ला पे डाल देंगे, हर दुनिया का जुर्म उसके ऊपर डाल देंगे, तो ये मैं नहीं समझता कि ऐसे हो सकता है। बहरहाल इंक्वायरी करें, अगर ऐसी बात होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो मजबूत आसाब के बंदे हैं, मालिक हैं, वो इंशाल्लाह फेस करेंगे। अच्छा, प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए कि राना सनाउल्ला ने खुद मना किया है कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए बात ना की जाए? मैंने यही सुना है, हमारे एक दो साथियों ने बताया है कि उन्होंने कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की। आज भी उनको लोग मिले हैं कोर्ट में, जब उनको पेश किया गया तो उन्होंने शायद खुद भी कहा है कि मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं असेंबली में आऊं। मेरा ख्याल है वो अपने लिए कोई असेंबली में इस वक्त रोल नहीं देख रहे, या उनका माइंड सेट उनको इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत सीरियस किस्म का केस डाल दिया गया है। तो यकीनन कोई भी शख्स ऐसा हो जिसके ऊपर साथ ऐसा हुआ हो वो परेशान तो होगा। अच्छा, आर्मी चीफ से भी अपील कर दी है इंसाफ की राना सनाउल्ला ने। वो कहते हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, तो अब आर्मी चीफ नोटिस लें इस मामले का। अच्छा, मेरे इलम में ये बात नहीं है। आज उन्होंने गुफ्तगू की है तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू, मेरे इलम में ये बात नहीं है, बिल्कुल अगर कहा है तो जरूर कहा होगा। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाना अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। लगाई साहब, तमाम तर सूरत हाल में क्या आपको लग रहा है कि नून ली वो सिंपैथी हासिल कर रही है? जब हालात ऐसे होंगे तो सिंपैथी हासिल क्यों नहीं करेगी, कौन उसको मना करेगा? ना जनाब, आपके साथ ये वाकयात हो रहे हैं, इस तरह से तसलसल के साथ हो रहे हैं, तवातुर के साथ हो रहे हैं, आपके आदमी गिरफ्तार हो रहे हैं, आपकी लीडरशिप गिरफ्तार हो रही है, मुख्तलिफ मुकदमात बन रहे हैं, ये सारा कुछ उसके बाद जो है क्या पब्लिक सिंपैथी नहीं होगी? फिर जिस तरह से वीडियोज़ सामने आ रही हैं और उन वीडियोज़ में जो किरदारों का किरदार है वो सामने आ रहा है, तो फिर तो क्वेश्चन भी उठेंगे और ये भी बात होगी। और वो जो अपने आप को साबित करना चाहें कि हम मजलूम हैं, तो उनको कौन रोक लेगा कि वो अपने आप को मजलूम साबित ना करें जब इस तरह की सूरत हाल होगी?